आज हम कुछ किचन टिप्स देखेंगे। पहला है, जब हम नारियल को भगवान को चढ़ाते हैं या फिर फ्रेश नारियल यूज करने के बाद रह जाता है, धूप में सुखाने के बाद भी वो खराब हो जाता है, तो इससे बचने के लिए ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। आपको बस थोड़ा सा पानी लेना है और इसे धो देना है। नारियल पानी की वजह से ये काला और स्टिकी और मोल्डी हो जाता है, तो इससे बचने के लिए पहले आपको वो जो भी रेसिड्यू है नारियल पानी का, उसे कम्प्लीटली धो देना है। अब इसे ऐसे ही फ्रिज में स्टोर कर देना, बिना धूप के ये कम्प्लीटली सूख जाता है और बहुत दिन तक फ्रेश रहेगा। दूसरी किचन टिप है किचन में यूज होने वाले कपड़ों को लेकर। ये कपड़े आपको लगता है कि ये साफ है धोने के बाद भी? इसका जवाब है नहीं। आपको क्या करना है, बस इन कपड़ों को लेकर एक साथ धोने के बाद थोड़ी देर के लिए पानी में डालकर उबाल लेना है। इन्हें कम से कम 15 मिनट के लिए उबालना है। इन्हें आप धोने के बाद या फिर धोने से पहले उबाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी निकल रही है। अगर धोने के बाद आप उबालते हैं तो इसमें से जो भी सोप का रेसिड्यू है वो भी निकल जाएगा। हफ्ते में एक बार एटलीस्ट करना इसे। तीसरी किचन टिप की तरफ चलते हैं। अक्सर खाना स्टेनलेस स्टील पैन या फिर बर्तन में चिपक जाता है या फिर जल जाता है, तो इससे बचने के लिए और स्टेनलेस स्टील को नॉनस्टिक बनाने के लिए ये ट्रिक बहुत ही बढ़िया है। इसे नॉनस्टिक बनाने के लिए थोड़ी देर इसे हीट करना है और थोड़ा सा पानी को छिड़क देना है। आप देख सकते हैं कि पानी एवापोरेट हो रहा है, इसका मतलब पैन अच्छे से हीट नहीं हुआ है और पोर्स ओपन है। थोड़ी देर फिर से उसे गर्म करने के बाद पानी छिड़कना है। आप देख सकते हैं कि इस बार पानी के जो ड्रॉपलेट्स है वो नाच रहे हैं, इसका मतलब पोर्स कम्प्लीटली क्लोज हो चुके हैं और ये नॉनस्टिक बन चुका है। अब इसे बेफिक्र यूज कर सकते हैं। चलिए अब फोर्थ टिप की तरफ चलते हैं। क्या आपको लगता है कि वुडन स्पून क्लीन है धोने के बाद भी? वुडन स्पून धोने के बाद भी पूरी तरह से क्लीन नहीं होते हैं। इसके लिए आपको ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा। इन वुडन स्पून को पानी में डालकर कुछ देर तक उबालिए। आप देख सकते हैं कि कितना तेल निकल रहा है। इसके बाद फिर से सोप से धो देना है और क्लीन हो जाएंगे। अब चलते हैं फिफ्थ ट्रिक की तरफ। अगर आपके पास एल्यूमिनियम के स्टीमर है या फिर कोई और बर्तन है और वो काला पड़ जाता है स्टीम करने के बाद, तो ये ट्रिक अपनाना। काला ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस एक छोटा सा लेमन का टुकड़ा लेकर उसे पानी में डाल देना है और जो भी आपको स्टीम करना हो, जैसे इडली, मोमोस और कुछ भी, तो आप स्टीम कर लेना। इसके बाद आप देखिए कैसे ये क्लीन है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। सिक्स्थ टिप के तरफ चलते हैं। अभी अक्सर नाइफ लगातार यूज करने से ब्लंट हो जाता है और कटिंग अच्छे से नहीं होता है, तो अगर आपके पास सेरेमिक कप है तो उस पर चाकू को इस तरह से घिसिए और वो शार्प हो जाएगा इंस्टेंटली। चलिए देखते हैं सेवेंथ टिप। नाइफ की तरह सीजर्स भी बहुत ही ब्लंट हो जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एल्यूमिनियम फॉइल लें, थोड़ा सा उसको आप निकाल लें और उसको अच्छे से आप फोल्ड कर लें। जितना हो सके आप उसे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद उसको आप लगातार सीजर से काटिए। इससे क्या होता है, आपका सीजर शार्प हो जाएगा। अब एट टिप देखेंगे क्या है। जब हम कुछ छानना चाहते हैं और बॉल के ऊपर छन्नी रखते हैं तो वो अक्सर फिसल जाता है, तब आप क्या कर सकते हो, एक फोर्क या कुछ चम्मच लेके इसे इस तरह से डाल दे। चलिए लास्ट टिप देखते हैं क्या है। कप्स को बहुत ही बोरिंग तरीके से अरेंज करना बंद कर दीजिए। बहुत ही सिली अरेंजमेंट है, बट इस तरह अरेंज करने से थोड़ा फैंसी भी लगेगा और आपका स्पेस भी सेव हो जाएगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।